हेलो एवरीवन वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल लब्बोज़ फूड पर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा चटपटे और मज़े के बनते हैं इसे बनाना भी बहुत आसान होता है आप इसे इवनिंग में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या आपके घर कोई मेहमान आए तो भी आप इसे बना सकते हैं बहुत मज़े का रहेगा तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू तो यहाँ पर तीन बड़े साइज़ के आलू लिए हैं मैंने तकरीबन चार ग्राम इसका वज़न है तो इसे सबसे पहले छील लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आलू का छिलका जो है वो निकाल लिया है तो इस तरीके से ही सारे आलू हमें छील के रख लेने हैं तो हमारे सारे आलू छील गए हैं तो अब हमें लेना है एक बॉल और उसमें लेना है पानी और साथ ही लेते हैं हम एक ग्रेटर तो यहाँ पर देखिए ले लिया मैंने ये बारीक वाला जो है वो उस साइड से हमें इसे ग्रेट करना है आलुओं को तो डायरेक्ट हमें इस पानी में ही आलुओं को ग्रेट करना है ताकि आलू जो है वो अपना कलर ना बदले तो यहाँ पर सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब हमें इसे अच्छी तरीके से इसमें धो लेना है तो दो पानियों से इसे हमें धो लेना है और इसका पानी जो है वो हमें निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से दबा दबा के इसका पानी निचोड़ना है ताकि आलुओं में से सारा पानी निकल जाए हमारे आलू जो हैं वो एकदम से ड्राई हो जाएं तो जितना हो सके उतना पानी निकाल लें तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आलुओं का सारा पानी निकाल दिया और तो एकदम से ये ड्राई हैं तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिया मैंने एक कड़ाही और उसमें डाल देते हैं तेल तो यहाँ पर तीन टेबल स्पून तक तेल जो है इसमें ऐड कर दूँगे और तेल को गर्म होने देना है तेल हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें हमें ये आलू ऐड कर देने हैं और इसे इसमें भून लेना है ताकि इसका जो आलूओं में मॉइस्चर है थोड़ा पानी है वो ड्राई हो जाए और आलू हमारे जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं उस वक्त तक हमें इसे भूनना है तो ये देखिए हमने आलूओं को भून लिया है और इसका जो मॉइस्चर है वो निकल चुका है और अगर इसे इस तरीके से चेक करें तो ये थोड़ी सी चिपचिपी सी हो गई है तो इस तरीके से हो जाए तो आलूओं को हमें निकाल लेना है इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसे निकाल देते हैं उसे ठंडा होने देते हैं तो मैंने निकाल लिया है हमारे आलू जो है वो ठंडा हो चुके हैं तो अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले जिसमें वन टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया ले लिया है वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ले लिया है वन टी स्पून चाट मसाला लिया हुआ है वन टी स्पून गर्म मसाला है वन टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है और ले लिया है मैंने नमक नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दें तो इन चीज़ों को यहाँ पर हमें ऐड कर देना है और साथ ही यहाँ पर हम धनिया के पत्ते भी डाल देते हैं जिसे मैंने बारीकी से कट कर लिया है और थ्री टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं और सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से आलूओं में मिला लेना है ताकि मसाले वगैरह अच्छे से हमारे आलूओं में मिल जाएं तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिला ली हैं और अब हाथों पे लगाते हैं थोड़ा सा तेल और इसे अच्छी तरीके से हाथों पे मसल लेते हैं और इससे बनाते हैं हमें ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन आलूओं का लेकर हमें इसका जो है वो कटलेट बना लेना है तो आप जितना भी मोटा या पतला बनाना चाहें उस हिसाब से आप आलूओं के पोर्शन ले लें और जिस सेप शेप का भी आप बनाना चाहें आप वैसे इसका शेप दे सकती हैं मैंने इसे थोड़ा सा लंबाई में करके इसे कटलेट का शेप दिया है ये देखिए इस तरीके से तो इसी तरीके से सारा जो है वो आलूओ का ये कटलेट हम बना के रख लेंगे तो ये देखिए हमारे सारे कटलेट जो हैं वो तैयार हैं और अब लेते हैं हम एक कड़ाही और उसमें डालते हैं तेल तो इसमें तेल डाल देते हैं इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है तो इतना तेल मैंने डाल दिया है और अब इस ये तेल हमारा गर्म है तो इसमें हमें ये कटलेट को उठा के एक एक करके इसमें डालते जाना है तो जितने भी एडजस्ट हों उस तेल में उतने हमें डाल देना है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब इसे हमें फ्राई होने देना है तो इसे चेक कर लेते हैं तो एक साइड से ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड से भी इसे पकने देते हैं तो ये देखिए दोनों साइड से हमारा जो ये कटलेट है अच्छे तरीके से ये पक चुका है और इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है तो अब हमें इसे निकाल लेना है सारे कटलेट को निकाल कर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है इसे केचप के साथ मैंने सर्व किया है बहुत मज़े का ये लगता है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ले, कर लें लाइक कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करें मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स